स्वागत है आपका फार्मेसी के सबसे बेस्ट चैनल पर जिसका नाम है फार्मालॉजिक। और आज हम बात करने वाले हैं साइज सेपरेशन की। ये साइज सेपरेशन का थर्ड पार्ट है। इसमें हमने उन डिवाइस या मशीन्स को डिस्कस किया है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट साइज पार्टिकल्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग आसानी से सेपरेट कर सकें। सो इसमें हमने एयर सेपरेटर, बैक फिल्टर और इलिटेशन मेथड को कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। एयर सेपरेटर, एयर सेपरेटर वो डिवाइस होते हैं, नाम से पता चल रहा है, इसमें हमें एयर को सेपरेट करना होता है। इसमें हमारे पास डिजायरेबल पार्टिकल्स होता है और एयर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, जिसमें से हमें एयर पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स सेपरेट करना होता है और डिजायरेबल पार्टिकल्स हमें मिल जाता है। सो इसका प्रिंसिपल क्या है? द एयर सेपरेटर यूजेज द सेम प्रिंसिपल एज द साइक्लोन सेपरेटर। सो इसमें सेम प्रिंसिपल यूज होता है जो हमने साइक्लोन सेपरेटर में पढ़ा था। साइक्लोन सेपरेटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रिंसिपल, क्योंकि साइक्लोन इसमें हमें रोटेशनली मूव करा के एयर को, पार्टिकल्स को, हमें एयर अलग करना होता है और जो हमारे डिजायरेबल पार्टिकल्स है उसको अलग करना होता है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है साइक्लोन सेपरेटर की, सो प्लीज़ जाके देखिए। मैंने पिछले वीडियो में सीव सेकर्स और साइक्लोन सेपरेटर को समझाया है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो कंस्ट्रक्शन, एयर सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ऑफ वेजल्स हैविंग फीड इनलेट एट अपर पार्ट ऑफ वेजल्स। जो हमारा एयर सेपरेटर होता है वो सिलेंड्रिकल वेजल्स का बना हुआ होता है, सेम जैसा हमारा साइक्लोन सेपरेटर था, और फीड इनलेट ऊपर की तरफ होता है जहाँ से हमारा जो हमारा पार्टिकल्स है जिसे हमें सेपरेट करना है वो उसे हम ऊपर से डालते हैं। द बेस इज कॉनिकल, इसका जो बेस होता है वो कॉनिकल होता है। अ रोटेटिंग डिस्क एंड रोटेटिंग ब्लेड्स आर फिटेड ऑन अ शार्प प्लेस एट द सेंटर ऑफ द वेजल्स। और इसमें नया क्या है, इसमें एक रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग ब्लेड्स लगे हुए होते हैं जिसकी मूवमेंट की हेल्प से जो हमारा पार्टिकल्स होता है वो मूव करता है, रोटेट करता है, और जो हमारे डिजायरेबल पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एयर पार्टिकल से। टू आउटलेट आर प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वेजल्स, वन इज़ फॉर द फाइन पार्टिकल्स एंड अनदर इज़ फॉर द हैवी पार्टिकल्स और कोर्स पार्टिकल्स। इसमें दो या दो से ज़्यादा भी इसमें हमारे पास वेजल्स होते हैं, आउटलेट्स होते हैं। इन आउटलेट्स में फाइन पार्टिकल्स अलग सेपरेट होता है और जो हमारे कोर्स पार्टिकल्स हैं या फिर हैवी पार्टिकल्स हैं वो अलग से सेपरेट होता है। सो सिंपली अगर इसके वर्किंग को हम देखें, सो पहले इसके डायग्राम को देखते हैं हम। तो डायग्राम, ये एक डिवाइस है, इसके ऊपर हिस्से में फीड इनलेट है या इसको होपर भी बोलते हैं। इसमें से हम जो हमारे पार्टिकल्स है जिसको हमें सेपरेट करना है उसको हम ऊपर से डालते हैं, और इसके बगल में एयर इनलेट है जहाँ से हमें एयर प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जब हम एयर प्रोवाइड करेंगे तभी वो रोटेटिंग डिस्क मूव करेगा क्योंकि उसको एयर चाहिए। और इसमें ऊपर स्विच लगा हुआ है हमारा, और सबसे ऊपर की तरफ मोटर लगा हुआ है जिस मोटर की हेल्प से ये रोटेटिंग डिस्क हमारा रोटेट करेगा। और नीचे हमारा कॉनिकल बेस है जहाँ पे चार आउटलेट्स हैं, दो आउटलेट्स होते हैं हमारे, एक होता है फाइन पार्टिकल्स के लिए, दूसरा होता है हमारा कोर्स पार्टिकल्स के लिए, और दो एयर आउटलेट्स होते हैं, यहाँ से भी हमारा पार्टिकल्स आउट होते हैं, बाहर आते हैं। सो इसका वर्किंग को हम पहले डिस्कस करेंगे। द फीड और पाउडर एंटर्स द सेंटर ऑफ द वेजल्स थ्रू द फीड इनलेट। सो जो फीड है हमारा, यानी जो हमारा पार्टिकल्स है जिसको हमें सेपरेट करना है, वो हम कहाँ से डालते हैं? फीड इनलेट से। द एडमिटेड फीड फॉल्स ऑन द रोटेटिंग ब्लेड एंड रोटेटिंग डिस्क। जो एडमिटेड फीड होता है हमारा वो रोटेटिंग ब्लेड और रोटेटिंग डिस्क पे फीड फॉल्स होता है, मतलब गिर जाता है। द रोटेटिंग डिस्क प्रोड्यूसेस एन एयर जेट इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द डायग्राम। सो जो हमारा रोटेटिंग डिस्क है वो एक डायरेक्शन में मूव करता है जो हमने डायग्राम में शो कर रखा है। द फाइन पार्टिकल्स आर कलेक्टेड बाय द एयर स्टीम एंड बाउट इन टू द स्पेस ऑफ सेटलिंग चैम्बर वेयर द एयर वेलोसिटी इज सफिशियंटली रिड्यूस सो दैट द फाइन पार्टिकल्स फॉल्स आउट आर एलिमिनेटेड थ्रू द पार्टिकल्स आउटलेट। सो जो फाइन पार्टिकल्स हैं हमारे वो एयर स्ट्रीम में आ जाते हैं और वो मेन सेंटर एरिया में, चैम्बर में वो आ जाते हैं, और फिर एयर वेलोसिटी जब हम रिड्यूस करते हैं या फिर जब हम एयर वेलोसिटी कम करते हैं सो वो फाइन पार्टिकल्स हमारे फॉल्स आउट हो जाते हैं, यानी नीचे गिर जाते हैं और पार्टिकल्स आउटलेट की तरफ से एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब बाहर जाते हैं। सिंपली क्या है कि इस डिस्क, जो हमारा डिस्क लगा हुआ है, जो हमारा फैन लगा हुआ है, वो जब मूव करता है, जब उसको एयर इनलेट मिलता है तो वो मूव करता है, ऊपर मोटर लगा हुआ है, और इसमें हम जब हम जो हमारे फीड्स हैं उसको हम ऊपर से डालते हैं सो जो
डस्ट पार्टिकल्स है या फिर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लग जाता है और वो अलग सेपरेट हो जाता है, और जो हमारे फाइनल पार्टिकल्स हैं मतलब जो हमारे कोर्स पार्टिकल्स हैं वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। पार्टिकल्स टू हैवी टू बी कलेक्टेड बाई एयर स्ट्रीम आर रिमूव एट आउटलेट ऑफ द कोर्स पार्टिकल्स। सो जो हैवी पार्टिकल्स हैं जो एयर स्ट्रीम्स कलेक्टेड हो गए हैं उसको हम आउटलेट उसको रिमूव कर देते हैं और उसको कोर्स पार्टिकल्स में मतलब अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। ये डिवाइस बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, सिंपल ही अगर इसको हम समझें तो ये एक सिलिंड्रिकल डिवाइस है। इसमें हमने ऊपर से हमें फीड डालना होता है, यानी जो पार्टिकल्स हमें सेपरेट करना है वो ऊपर से डालना होता है। एयर स्ट्रीम इसमें मतलब रोटेटिंग डिस्क लगे हुए होते हैं, और जब ये रोटेटिंग डिस्क मूव करते हैं तो जो एयर पार्टिकल्स है हमारा और जो हमारा कोर्स पार्टिकल है वो अलग अलग हो जाता है। ये सिंपल साइक्लोन सेपरेटर की तरह था, बस इसमें ये है कि इसमें बस रोटेटिंग डिस्क लगे हुए होते हैं और जो हमारा कोर्स पार्टिकल्स है वो अलग सेपरेट हो जाता है, और जो फाइन पार्टिकल्स या फिर जो एयर पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स है वो अलग सेपरेट हो जाता है। सो इसका एडवांटेजेस क्या है? ईजी इंस्टॉलेशन एंड रोटर स्पीड इज एडजस्टेबल। बहुत आसानी से इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो रोटर की स्पीड होती है हमारी उसको हम एडजस्टेबल है, यानी इसको हम आसानी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। हाई प्रोडक्ट कैपेसिटी, और इसकी हाई प्रोडक्ट कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब किसी कितना भी हमारा प्रोडक्ट होगा आसानी से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे बैक फिल्टर्स। बैक फिल्टर्स नाम से पता चल रहा है कि इसमें बैक्स होते हैं, और ये बैक जो होते हैं हमारे ऐसा फिल्टर की तरह काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे हमारे कॉटन के या फिर वूल के फैब्रिक बैग्स होते हैं जो लटके हुए होते हैं डिवाइस में, और जब हम इसमें हम कोई पार्टिकल्स डालते हैं सो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बैग से चिपक जाते हैं, और जो एयर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और कुछ पार्टिकल्स ये बैग्स में अंदर चले जाते हैं जो बाद में हम दूसरे प्रोसेस से उसको हम निकाल लेते हैं। सो इसमें दो प्रोसेस वर्क करता है, यानी इसमें स्टेजेस में इसको वर्क करते हैं। सो आगे हम इसको प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। प्रिंसिपल, द सेपरेशन इज परफॉर्म इन देयर स्टेजेस। इन द फर्स्ट स्टेज द गैस कंटेनिंग डस्ट इज पास थ्रू अ बैग मेड ऑफ क्लॉथ बाय अप्लाइंग सक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन अकर्स। सो ये स्टेजेस में होता है, बेसिकली ये सिंपली दो स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज होता है हमारा फिल्टरिंग पीरियड, दूसरा स्टेज होता है हमारा सेकिंग पीरियड। पहले स्टेज में क्या होता है हमारा जो हमारा डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सक्शन यानी ऊपर की तरफ से जब खींचता है हवा लगता है ऊपर की तरफ, जब हवा खींचता है सो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्लोथ से चिपक जाते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप द बैग्स आर सेकेंड बाय अप्लाइंग प्रेशर सो दैट द पाउडर एडेरिंग टू द बैग फॉल्स एंड कलेक्टेड फ्रॉम द बेस। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको हम सेक करते हैं या फिर उसको हम हिलाते हैं सो जो हमारे जो पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं बैग से वो नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, अ सीरीज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और वूल फैब्रिक्स आर सस्पेंडेड इन अ मेटल कंटेनर। सो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें सो बाहर की तरफ एक मेटल कंटेनर है हमारा, और इसके अंदर बैग्स मौजूद होते हैं जो कि कॉटन के होते हैं या फिर वूल फैब्रिक्स से होते हैं, और ये इन द बॉटम पोर्शन द होपर इज अरेंज टू रिसीव द फीड। और बॉटम में यानी नीचे के एरिया में हमारा होपर लगा हुआ होता है जहाँ से हम जो हमारा डिजायर पार्टिकल्स हैं उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। अ बेल क्रैंक लीवर अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द वेजल्स टू चेंज द फिल्टरिंग एक्शन टू सेकिंग। एक बेल क्रैंक लीवर ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है, बेसिकली सिंपल सी ये एक स्विच होता है। सो ये स्विच कैसे वर्क करता है? ये स्विच अगर हमने इसको स्विच को जब हम ऑन कर देते हैं पहले में तो ये फिल्टरिंग करता है, जब इसको हम स्विच को ऑफ कर देते हैं सो अगला जो स्टेज होता है हमारा वो सेकिंग स्टेज स्टार्ट हो जाता है। सो आगे हम इसकी वर्किंग को पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है ये अगर इसको हम आसानी से समझे तो। सो पहले इसको हम डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम क्या है इसका? इसका डायग्राम दो डायग्राम बनाया मैंने, क्यों? क्योंकि पहला डायग्राम फिल्टरिंग पीरियड का है और दूसरा डायग्राम सेकिंग पीरियड का है। सो पहले डायग्राम में अगर देखेंगे हम तो ऊपर बेल क्रैंक लीवर लगा हुआ है, इसमें एक डैम्पर लगा हुआ है। डैम्पर क्या होता है? बेसिकली एक तरह का ढक्कन होता है जो आसानी से खुल जाता है और बंद हो जाता है। ये बंद हो जाता है और ये एयर लीक मतलब एयर वैक्यूम क्रिएट कर देता है अंदर की तरफ, क्योंकि एयर ना बाहर से आती है ना ही एयर अंदर से बाहर की तरफ जाती है। सो डैम्पर का ये काम होता है।
और इसमें मेटल कंटेनर होता है चारों तरफ से, बीच में बैग्स लगे हुए हैं, फिल्टर बैग्स लगे हुए हैं, और नीचे की तरफ एक होपर लगा हुआ है जहाँ से हमारा जो डिजायरेबल कंटेंट्स है यानी जो फीड है हमारा वो कलेक्ट हो जाता है। और दूसरा डायग्राम क्या है हमारा, दूसरा डायग्राम सेम डायग्राम है, सेम चीज़ है, लेकिन ये दिखाया है कि ये हमारा फिल्टरिंग पीरियड है, दूसरे वाले में सेकिंग पीरियड है। पहले पीरियड में जो हमारा एयर है जो फिर मतलब जो भी हमने पार्टिकल्स डाला है सो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है वो इससे चिपक जाएंगे, और जो हमारे फाइन पार्टिकल्स जो हमारे डिजायरेबल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा कर के नीचे होपर्स में हमें मिल जाएंगे। सो अगले सेकिंग पीरियड में अगले डायग्राम में ये सेकिंग पीरियड दिखाया है, इसमें हम जब हम इसको शेक करते हैं सो जो पार्टिकल्स होता है हमारा जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको अलग कलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमारे डिजायरेबल पार्टिकल्स हैं उसको अलग कलेक्ट कर लेते हैं। सो इसका वर्किंग कैसे करता है, सो पहला वर्किंग है इसका फिल्टरिंग पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गैस कंटेनिंग डस्ट एंटर्स द होपर देन इट इज पास इनसाइड द बैग एंड टॉप ऑफ द अपैरेटस। सो पहले स्टेज में या पहले पीरियड में जो डस्ट कंटेनिंग जो हमारा पार्टिकल्स है गैस कंटेनिंग या फिर डस्ट कंटेनिंग पार्टिकल्स हैं, मतलब इसमें गैस और डस्ट पार्टिकल्स और इसके बाद जो हमारे डिजायरेबल पार्टिकल्स वो तीनों मिक्स हैं हमारे, वो सबसे पहले हम यहाँ से होपर से इसको एंटर कराते हैं। देन इट इज पास इनसाइड द बैग एंड टॉप ऑफ द अपैरेटस। सो दो वो पास होते हैं इनसाइड बैग से और अपैरेटस की तरफ, मतलब बैग में होते हैं और ऊपर की तरफ टॉप पे जाते हैं। इसमें एक वैक्यूम प्रोवाइड करते हैं, द वैक्यूम फैन प्रोड्यूसेस अ प्रेशर बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द अपैरेटस। और वैक्यूम फैन से हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो प्रेशर होता है हमारा एटमोस्फेयर प्रेशर से कम होता है। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स गेट ट्रैप विद इन द बैग्स। सो जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो बैग में ट्रैप हो जाते हैं। अगला हमारा है सेकिंग पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बेल क्रैंक लीवर रोटेट एंड चेंज द पोजिशन ऑफ डैम्पर। सेकिंग पीरियड में जो हमारा बेल क्रैंक लीवर है वो डैम्पर को रोटेट कर देता है यानी उसको खोल देता है, उसकी पोजिशन को चेंज कर देता है। सो द एयर आउटसाइड एंटर्स थ्रू द टॉप इन द मेटल केसिंग एंड देयरफॉर द वैक्यूम इज ब्रोकन। और जो हमारे एयर पार्टिकल्स हैं वो जब वो ओपन हो जाएगा तो ऊपर से हमारे एयर पार्टिकल्स एंटर हो जाएंगे और उसी टाइम जो हमारा वैक्यूम है वो हमारा ब्रोकन हो जाएगा, मतलब वैक्यूम हट जाएगा, क्योंकि जब एयर एंटर हो जाएगा तो वैक्यूम हट जाएगा। एट द सेम टाइम इट कॉज वायलेंट शेकिंग और जर्किंग, और उसी टाइम पे जर्किंग और शेकिंग होता है टू द बैग्स। सो डस्ट पार्टिकल्स एंड फाइन पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस फ्रॉम द बैग्स। सो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे और जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो हमें कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब नीचे जर्किंग की हेल्प से शेकिंग की हेल्प से वो नीचे आ जाते हैं। सो डस्ट और फाइन पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस फ्रॉम द बैग, द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द डस्ट फॉल्स इन टू द होपर विच इज विड्रॉन फर्दर फ्रॉम द कॉनिकल बेस। और जो हमारे मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे नीचे विड्रो हो जाएगा और उसको हम कलेक्ट कर लेंगे कॉनिकल बेस से। सिंपली है ये, इसमें हम जो हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो अलग 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 टाइम पे उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या है हमारा, दे हैव एन एफिशिएंसी लेवल ऑफ अप टू 99% और सिंपली टू ऑपरेट एंड लो कॉस्ट। सॉरी एप्लीकेशन नहीं, इसकी एडवांटेज क्या है, ये एडवांटेज है इसकी कि 99% एफिशिएंसी लेवल होता है इसका और सिंपली इसको बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत लो कॉस्टली होता है हमारा। जिसकी एडवांटेज क्या है इसकी, रिक्वायर फ्रिक्वेंट क्लीनिंग एंड हैव लो एयर टू क्लोज रेशियो। बहुत कम इसकी मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली इसको क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है और इसकी जो लो हैव लो एयर टू क्लोथ रेशियो और इसका जो मतलब एयर की हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है क्लोथ के अकॉर्डिंग, क्लोथ रेशियो के अकॉर्डिंग। अब आगे हम बात करेंगे इल्यूट्रेशन मेथड की। इल्यूट्रेशन मेथड वो मेथड है जिसमें हम इसमें सेम ये उसी की तरह ही है, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं और इसमें भी हम हाई प्रेशर में हाई वेलोसिटी में हम गैस प्रोवाइड करते हैं, हम एयर प्रोवाइड करते हैं। सो जो हमारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं और फ्लोट पार्टिकल्स वो ऊपर से निकल जाते हैं और जो हमारा मेन पार्टिकल्स होता है वो हमारा नीचे की तरफ सेडिमेंट हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन यानी नीचे की तरफ बैठ जाते हैं जो हमारे कोर्स पार्टिकल्स होते हैं। सो इल्यूट्रेशन इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर साइज शेप एंड डेंसिटी। सो ये उन पार्टिकल्स को सेपरेट करता है जिसकी अलग डिफरेंट साइज होता है, शेप होता है और डेंसिटी होता है। सो ये उनके अकॉर्डिंग इसको सेपरेट करता है। यूजिंग अ स्ट्रीम ऑफ गैस और लिक्विड फ्लोइंग इन डायरेक्शन यूजली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेडिमेंटेशन। इसमें हम एक स्ट्रीम ऑफ गैस और लिक्विड फ्लोइंग स्ट्रीम यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन के अपोजिट फ्लो करता है, यानी इसमें हम एक हाई स्ट्रीम हाई वेलोसिटी गैस प्रोवाइड करते हैं जो एक डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब एक ऊपर की तरफ मूव करता है जो कि अपोजिट है सेडिमेंटेशन डायरेक्शन से।
सो इसकी वर्क, इसका डायग्राम देखते हैं हम। डायग्राम सिंपल, ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म से है। इसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसमें कोर्स पार्टिकल्स भी हैं, फाइन पार्टिकल्स भी हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। सो जब हम सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स में नीचे से हम डालते हैं सस्पेंशन, इसी जो हमारा सस्पेंशन ऑफ सॉलिड है इसको ही हम बोलते हैं। इसमें सस्पेंशन ऑफ सॉलिड में डिफरेंट सारे पार्टिकल्स होते हैं। सो जब इसको यहाँ से एंटर कराते हैं और इसमें जब हम हाई वेलोसिटी में गैस प्रोवाइड कराते हैं, सो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत एयर की प्रेशर में ऊपर से निकल जाते हैं और जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं। द अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम एंड सस्पेंशन सॉलिड इज इंट्रोड्यूस थ्रू द इनलेट नियर द बॉटम ऑफ द कॉलम। द अपैरेटस जो होता है हमारा वो वर्टिकल कॉलम होता है, मतलब वर्टिकली होता है, और सस्पेंशन सॉलिड होता है वो हमारा इनलेट के थ्रू, मतलब जो इनलेट एरिया है वहाँ से इसको हम एंटर कराते हैं, वो थोड़ा नियर द बॉटम होता है हमारा। एंड आउटलेट ऑफ कोर्स पार्टिकल्स इज ऑल्सो अवेलेबल एट द बेस, और एक कोर्स पार्टिकल्स के लिए आउटलेट भी हमारे बेस में मौजूद होता है, मतलब कोर्स पार्टिकल्स के लिए नीचे की तरफ एक हमारा होपर मान लीजिए या फिर आउटलेट कोई ट्यूब मान लीजिए, वहाँ से हमारा आउटलेट जो हमारा बाहर निकल जाता है। सो द फ्लूड एंड फाइन पार्टिकल्स ओवरफ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ द कॉलम। सो जो हमारे फ्लूड हैं या फिर फाइन पार्टिकल्स हैं या फिर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो ओवरफ्लो मतलब एयर के फ्लो में आके ऊपर से बाहर आ जाते हैं, और जो हमारे कोर्स पार्टिकल्स हैं या फिर सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हमारे नीचे से हमें मिल जाते हैं। ड्यू टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट अक्रॉस द कॉलम इट रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। और वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट मतलब जो हम वेलोसिटी जो हमने प्रोवाइड किए हैं उसकी हेल्प से हमारी कॉलम में, उसकी हेल्प से हमारे जो साइज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब फाइन पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और कोर्स पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। सो ये इतना ही था, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अगर आपको फैक्ट्स पसंद हैं, अगर आपको फैक्ट्स पसंद हैं तो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ हमने बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स डाल रखे हैं। थैंक यू।